चेकर में भरपूर रश हुआ हुआ है और इस बछड़े के रेट वगैरह लग रहे थे और आखिरकार इस बछड़े का सौदा भी हो चुका है माशाल्लाह से। अच्छा वजनी और भारी बछड़ा है, काफ़ी टाइम से रेट वगैरह लग रहे थे और आखिरकार इसका सौदा हो चुका है। ये सामने चेक करें, पैसे गिनती करके दिए जा रहे हैं और फाइनल देने वाली बात क्या होगी? हाँ जाना, इसका लाख होगा, इसका एक लाख हो जाएगा, नब्बे और उसका दस। अच्छा, उसका एक लाख दस हज़ार, वो नुकरा है यानी कि चीना प्रिंट बछड़ा और एक वो अबला कलर प्रिंट का बछड़ा है। अभी फिलहाल इन दोनों की लोडिंग हो रही है, लोडिंग हो जाती है फिर रेट वगैरह इसके मालूम करेंगे कितने में इनको भाई ने मंडी से परचेज किया। ये माशाल्लाह चेक करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत कलर प्रिंट का बछड़ा है, माशाल्लाह से अच्छे मीट वेट के अंदर है। एक बछड़ा तो फाइनली लोड हो चुका है और एक ये चीना प्रिंट का बछड़ा, ये उससे थोड़ा सा वजन है और हाइट में छोटा है। अच्छा, ये 1,45,000 भाई बता रहे हैं और ये भाई बता रहे हैं 1.5 लाख का भाई ने परचेज किया। दांतों में दो हैं। हाँ, दोनों इस तरह से भैंस कॉलोनी मंडी का एक और सौदा माशाल्लाह से अच्छे मीट वेट का बछड़ा और अच्छी बनावट के अंदर है इस बछड़े का सौदा हुआ है। फिलहाल यदि इसकी लोडिंग हो रही है, चीज़ आप लोगों को दिखा देते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह से, अच्छा वजनी भारी बछड़ा और 2.5 मन की बछी है और 1,25,000 माशाल्लाह से ये भाई करें इन्होंने इस बछिया का सौदा करें। इनके भी अभी फिलहाल रेट वगैरह लग रहे हैं 85,000 भी बारी ने बिल्कुल फाइनल मांगे, 80,000 पार्टी की तरफ से लगाए जा चुके हैं। 1.5 मन के बछड़े हैं और 85,000 व्यापारी ने बिल्कुल फाइनल मांगे, 80,000 ये पार्टी घड़ी है इनकी तरफ से लगाए जा चुके हैं। ले ली माशाल्लाह से 1,65,000 में, 1,65,000 दो दांत है जी, दो दांत। अच्छा, दो दांत का बछड़ा और 1,65,000 भाई बता रहे हैं इन्होंने इसको मंडी से परचेज किया, 3.75 मन का बछड़ा होगा। वैसे इस तरह से भैंस कालोनी मंडी का एक और सौदा, छोटा माल भैंस कालोनी मंडी से काफ़ी ज़्यादा सोल्ड आउट हो रहा है, इसको अभी फिलहाल गाड़ी में लोड करने के लिए लेकर जाया जा रहा है। आगे चलते हैं, रेट वगैरह भी इसके जानते हैं, बछड़ा भी आप लोगों को क्लियरली दिखाएंगे। बाकी ये छोटा कड़ा इसने इसको मंडी से परचेज किया। छोटू कितने का पड़ी है माशाल्लाह से? क्या ये 182 का है? ये 182 का है, 160 और ये वाला जरा माशाल्लाह से क्वालिटी और बछड़ी चेक करें, बहुत ही अच्छी बनावट के अंदर है, नाफा जालर कोहान और माशाल्लाह से अच्छे मीट वेट के अंदर है चीज़ माशाल्लाह से। ये चेक कर लें, अभी चलते हैं भाई। 1,35,000 दो दांत है। अच्छा, दो दांत की बच्चे और 1,35,000 भाई बता रहे हैं इसको इन्होंने मंडी से परचेज किया। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि भैंस कालोनी मंडी में आप पाड़े भी कवर क्या करें, ये चेक कर सकते हैं भाई के पास एक पाड़ा खड़ा हुआ है। चलते हैं भाई से प्राइस वगैरह मालूम कर लेते हैं। अच्छा, दो दांत है क्या ये? जी भाई। क्या मांग रहे हैं इसके? 1,55,000 और वजन में क्या होगा ये? 1,50। 1,50 दो दांत है। अच्छा, दो दांत का बछड़ा और 1,50,000 भाई ये खड़े इन्होंने इसको मंडी से परचेज किया। भाई वजन का बता रहे हैं और 60,000 मेरे हिसाब से माशाल्लाह से बेहतरीन शिकार का लिए, आप लोगों को क्लियर दिखा देता हूँ। 60,000 माशाल्लाह से ये सौदा चेक करें, मंडी का माशाल्लाह से बेहतरीन सौदा 60,000, मगर अभी भी रेट वगैरह लग रहे हैं। दो दांतों के अंदर 95,000 व्यापारी ने मांगे और 85,000 इसे फिलहाल अभी लग चुके हैं, आप लोग क्लियरली दिखा देता हूँ। ये चेक करें, तकरीबन ये भी 2 से 2.5 मन का बछड़ा है, अभी भी फिलहाल इसके रेट वगैरह लग रहे हैं। तो बिल्कुल देने वाली बात क्या होगी? हाँ या ना? बिल्कुल फाइनल वाले भाई, अच्छा लगे तो 1,45,000 का ले जा। अच्छा, ये वाला 1,45,000 का और इसका बता दें, इसका इसका 1,30,000 का ले जा। 1,30,000 नंबर है अगर किसी को चाहिए होने का बदल में। तकरीबन ये 4 से 4.5 मन का बछड़ा होगा और माशाल्लाह से अच्छे मीट वेट के अंदर है। चलते हैं भाई से रेट वगैरह मालूम कर लेते हैं बछड़ा उसका क्या? 1,15,000। अच्छा, 1,15,000 और 1,20,000 मांगे ना आप लोगों को, मैं दिखा देता हूँ। 1,15,000 इसका मांगा है और 1,20,000 इसका मांगा है। तकरीबन 100 किलो इसका बताया भाई ने और वो भाई बता रहे हैं 2 मन का है। कालोनी मंडी की शान और अभी तक के सबसे बड़े सीबी बैल भैंस कॉलोनी मंडी में नज़र है माशाल्लाह से। सींग आप चेक करें एक पल्ली तरफ से, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, रेट वगैरह भी इसके भाई से मालूम करेंगे। ये चेक करें, खूबसूरत बछड़ा और छोटी हाइट के अंदर है, गेनी नस्ल का बछड़ा। अभी फिलहाल रेट वगैरह इसके लग रहे हैं 3 लाख। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल साहब, क्या सौ खरीद होंगे एक न्यूटी साथ। आज भैंस कॉलोनी को मंडी की अपडेट देने आ चुके हैं। बुध का दिन है, 12 जून, आज के लेटेस्ट रेट वगैरह मालूम करेंगे। आज मंडी में रेट वगैरह क्या पोजीशन है? आज सुबह 7 बजे मंडी पहुंचे और मंडी की सिचुएशन आप चेक कर सकते हैं। खरीदारों ने डेरे डाले में सौदे बन रहे हैं और काफ़ी अच्छे रेट होंगे, मंडी में परचेजिंग हो रही है। आज की इस वीडियो में जैसे कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की, छोटा और मिड रेंज का माल कवर करें, तकरीबन इस कैटेगरी माल की ज़्यादा ज़्यादा अपडेट देंगे। तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। उसका दो दो दांत हैं, क्या मांग रहे हैं इसके? लाल वाले को बता दें। इसका 1,20,000 मांग रहा हूँ। इसका 1,20,000। इसका 1,10,000। 1,10,000। उसका 1,30,000 मांग रहा, नुकरा है। अच्छा, वो नुकरा है, वो नुकरा आप लोगों को दिखा देते हैं। इसका 1,30,000 मांग रहे भाई, दो दो दांत के भाई बता रहे हैं सारे बछड़े। वजन में क्या होंगे तकरीबन? वजन में क्या क्या होंगे? वजन होएगा इनका 3-3 मन है। अच्छा, 3-3 मन और फाइनल देने वाली बात क्या होगी? हाँ या ना? इसका लाख होएगा, इसका 1,00,000 हो जाएगा, 90,000 और उसका 1,10,000। अच्छा, उसका 1,10,000, वो नुकरा है यानी कि नुकरा वो माशाल्लाह। अच्छा, यानी कि तीनों का रेट वगैरह जानकारी देती है। बाकी नंबर है क्या? नंबर है, अगर किसी को चाहिए तो रब्ता कर लेगा आपसे। तो ये बस इधर ही बिक जाएगा, बल्कि इधर ही भाई बता
रहे हैं बिक जाएगा। नंबर भाई के पास फिलहाल नहीं है, मेरा नंबर मैं शेयर कर देता, रेट वगैरह आप लोगों को फाइनल जानकर दे दी। ये दो बछड़े चेक कर लें और एक ये बछड़ा भाई के पास। बैक साइड से भी मैं कोशिश करता हूँ, जगह बहुत कंजेस्टेड है, बैक साइड से भी आप लोगों को मैं बछड़े चेक करवा देता हूँ, चेक कर लें। ये चीना प्रिंट बछड़ा और एक वो अबलग कलर प्रिंट का बछड़ा है। अभी फिलहाल इन दोनों की लोडिंग हो रही है, लोडिंग हो जाती है फिर रेट वगैरह इसके मालूम करेंगे कितने में इनको भाई ने मंडी से परचेज़ किया। ये माशाल्लाह चेक करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत कलर प्रिंट का बछड़ा है, माशाल्लाह से अच्छे मीट रेट के अंदर है। एक बछड़ा तो फाइनली लोड हो चुका है और एक ये चीना प्रिंट का बछड़ा, ये उससे थोड़ा सा वजन है और हाइट में छोटा है। ये वाला है दो दस का, ये अच्छा एक छब्बीस, एक छब्बीस दो दस। वैसे मांगे क्या थे स्टार्टिंग में इसके, मांगे क्या थे स्टार्टिंग में भाई? 3-3.5 लाख रुपए मांग रहे थे इसके, एक अस्सी मांग रहे थे। अच्छा 180 और 3-3.5 लाख भाई बता रहे हैं इसके मांग रहे थे। दो दो दांत के बछड़े, 2-10 और 1,26,000 में भाई बता रहे हैं इन्होंने इसको मंडी से परचेज किया है। 1,26,000 और 2,10,000 माशाल्लाह से इन्होंने परचेज किया। ये बॉस है, इन्होंने परचेज किया। इसी तरह से भैंस कॉलोनी मंडी का एक और सौदा माशाल्लाह से अच्छे मीट वेट का बछड़ा और अच्छी बनावट के अंदर है इस बछड़े का सौदा हुआ है। फिलहाल यदि इसकी लोडिंग हो रही है, चीज़ आप लोगों को दिखा देते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह से अच्छा वजनी भारी बछड़ा और तकरीबन 3-3.5 मन का बछड़ा होगा। बाकी चलते हैं रेट वगैरह इसके मालूम कर लेते हैं, जैसे ये लोड हो जाता तो इसके प्राइस वगैरह मालूम करेंगे। 182 दो दांत है, अच्छा दो दांत का बछड़ा है। 182 यानी कि 1,82,000 में माशाल्लाह ये बछड़ा लोड हो चुका है, इसका सौदा हुआ है। 3.5 मन का बछड़ा है और 182 1,82,000 में माशाल्लाह से ये भाई खड़े, इन्होंने इसको मंडी से परचेज़ किया। 1,82,000 माशाल्लाह से इस बछड़े का सौदा हुआ है। चेक करें भरपूर रश हुआ हुआ है और इस बछड़े के रेट वगैरह लग रहे थे और आखिरकार इस बछड़े का सौदा भी हो चुका है माशाल्लाह से। अच्छा वजनी और भारी बछड़ा है, काफ़ी टाइम से रेट वगैरह लग रहे थे और आखिरकार इसका सौदा हो चुका है। ये सामने चेक करें, पैसे गिनती करके दिए जा रहे हैं। कितने में लिए? बाटा रेट है, कितने का लिया? अच्छा प्योर चमड़ी का भी बता रहे हैं आप लोगों को, मैं क्लियरली दिखा देता हूँ फिर चलेंगे इसके प्राइस वगैरह मालूम करेंगे। ये चेक कर लें इस बछड़े का सौदा हुआ है। प्यारे भाई कितने का ले लिया माशाल्लाह से? भाई ये 2.5 में सौदा किया हमने, 2.5 लाख में। जी दो दांत है, जी दो दांत। वैसे क्या मांगे थे स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में मांगे थे 4-20 थे, 4-20 मांगे थे। थोड़ा है, थोड़ा इसको बहुत मुश्किल थोड़ा है, हमने बोला भाई फासला निकाल। चीज चेक मंडी का ही बताते चले, मंडी की पोजीशन कैसी लगी रेट? मंडी तो बहुत तेज चल रही है, मंडी तेज है। 4 लाख भी बता रहे हैं इसकी डिमांड की थी और 2.5 लाख में भाई ने इस बछड़े को परचेज किया। दो दांत का बछड़ा और 2.5 लाख माशाल्लाह से इस बछड़े का सौदा हुआ है। इसी तरह से भैंस कॉलोनी मंडी का एक और सौदा, छोटा माल भैंस कॉलोनी मंडी से काफ़ी ज़्यादा सोल्ड आउट हो रहा है, इसको भी फिलहाल गाड़ी में लोड करने के लिए लेकर जाया जा रहा है। आगे चलते हैं, रेट वगैरह भी इसके जानते हैं, बछड़ा भी आप लोगों को क्लियरली दिखाएंगे। फिलहाल इसको गाड़ी में लोड किया जा रहा है। ये चेक कर लें इस छोटी बछिया का सौदा हुआ। दादा नहीं टांगे रुक जा। फिर कितने का लिए? 1,25 दो दांत है, अच्छा 4 दांत की बछिया और 1,25,000 में इस बछिया का सौदा हुआ, तकरीबन 2.5 मन की बछिया होगी। वैसे क्या मांगे थे इसके? इसमें 1,25,000 माशाल्लाह से इस बछिया का सौदा हुआ, 2.5 मन की बछिया और 1,25,000 माशाल्लाह से ये भाई खड़े, इन्होंने इस बछिया का सौदा किया। सौदे भरपूर सौदे हो रहे हैं माशाल्लाह से भैंस कॉलोनी मंडी में। इन दो बछड़ों का सौदा हुआ है, साहिवाल प्रिंट के बछड़े माशाल्लाह से दोनों के दोनों अच्छे मीट वेट के अंदर हैं। एक ये आप लोगों को मैं बछड़ा चेक करवा देता हूँ, वजन में तकरीबन 2.5 से 3 मन के बछड़े होंगे। भाई से प्राइस वगैरह मालूम कर लेते हैं कितने का भाई ने इसको मंडी से परचेज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कितने में पड़ गया माशाल्लाह से ये? यार एक 1,45 का है और 1.5 का है। ये 1,45 का और वो पल्ले वाला 1.5 का है, ये 1,45 है और वो जो दूसरा वाला है वो 1.5 का। अच्छा ये 1,45,000 भाई बता रहे हैं और ये भाई बता रहे हैं 1.5 लाख का भाई ने परचेज़ किया। दांतों में दो हैं, हाँ दोनों दो दांत के बच्चे हैं। वैसे मांगे क्या थे स्टार्टिंग में बच्चों के? 1,90 ये कुर्बानी के लिए आपने। मंडी का आप भी बताते चले, मंडी की पोजीशन कैसी लगी रेट हमारे हिसाब से? यार मंडी तो फिलहाल यहाँ वाली भैंस कॉलोनी की तो फिर भी मतलब सौदे बंद रहे, मलीर मंडी वगैरह जो है वो तो बहुत ही ऊपर थी, पहले हम वहाँ गए थे फिर वहाँ से सौदा नहीं बना तो फिर हम यहाँ आए। अच्छा भाई बता रहे हैं मलीर मंडी में पहले गए थे लेकिन वहाँ के रेट काफ़ी हाई थे और भैंस कॉलोनी मंडी में भाई का सौदा हुआ है। ये माशाल्लाह से आप लोगों को चेक करवा देता हूँ, लोगों को चीज़ मैं क्लियरली दिखा देता हूँ। ये चेक करें, फुल सपाटर बच्ची है,
इस बच्चे का सौदा हुआ। बाकी भाई खड़े से प्राइस वगैरह ले लेते हैं, कितने में भाई ने इसको मंडी से परचेज किया है। ये भी तकरीबन 2.5 मन की बच्चिया होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने की पड़ गई माशाल्लाह से? ये 1,00,000 रुपए में ली। 1,00,000 जी। दो दांत है जी? 4 दांत। अच्छा, 4 दांत। 4 दांत की बच्ची और 1,00,000 भाई बता रहे हैं उन्होंने इसको मंडी से परचेज किया। मंडी का भी बताते चले, मंडी की पूछे कैसी लगी? बहुत रेट हाई फाई चल रहे हैं। अच्छा, मंडी के रेट हाई है? जी जी, बहुत हाई चल रहे हैं। कुर्बानी के लिए आपने? जी जी। अच्छा, भाई ने कुर्बानी के लिए लिया, अल्लाह पाक भाई कुर्बानी कबूल करे। 1,00,000 में भाई बता रहे हैं उन्होंने इसको मंडी से परचेज किया। तकरीबन 2.5 मन की बच्ची है और 1,00,000 में माशाल्लाह से इस बच्चे का सौदा हुआ है। इस तरह से एक बड़ा बछड़ा नजर है माशाल्लाह से, क्वालिटी ऑफ बछड़ी चेक करें, बहुत ही अच्छी बनावट के अंदर है, नाफा जालर कोहान और माशाल्लाह से अच्छे मीट वेट के अंदर है चीज़ माशाल्लाह से, ये चेक कर लें। अभी चलते हैं भाई से रेट वगैरह मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई जान, क्या मांग रहे हैं इसके? 6.5 लाख। 6.5 लाख। 2 दांत है वो? वज़न में क्या होगा तकरीबन? वज़न में कम से कम 5.5 मन से बाहर। अच्छा, 5.5 मन से भाई बता रहे हैं वज़न से, वज़न में ऊपर है। 2 दांत का बछड़ा और 6.5 लाख भाई ने इस बछड़े की डिमांड किया। उसका एक बिल्कुल फाइनल वाले दाम क्या होंगे? मोहब्बत बिल्कुल हाँ या ना? मोहब्बत कर लेंगे, फाइनल इसके होंगे 5.5। 5.5 तो मांगे थे ना? 6.5 मांगे थे। अच्छा, 6.5 मांगे, फाइनल 5.5 बिल्कुल फाइनल फाइनल दे देंगे। नंबर भी दे दें अगर किसी को चाहिए होता है तो आपसे रब्ता करेगा। 0315 23 95 05 7। हाँ यार, थोड़ी बहुत और मोहब्बत हो जाएगी ना अगर कोई रब्ता करता है तो। मैं मालिक हूँ। अच्छा, ये मालिक है? अच्छा, दूर से हैं। जी वालों की भी खैर मांगते हैं, इंसाफ से लगाएगा इंशाल्लाह। चले, और उनसे इंसाफ करेंगे। अच्छा, और भाई बोल रहे हैं इसमें कमी पेशी कर देंगे। 6.5 लाख मांगे थे और 5.5 लाख बिल्कुल फाइनल मांगे, इसमें भी भाई बोल रहे हैं इसमें कमी पेशी हो जाएगी। कॉलोनी मंडी की शान और अभी तक के सबसे बड़े सी भी बैल भैंस कॉलोनी मंडी में नजर है माशाल्लाह से। सीन आप चेक करें, एक पल्ली तरफ से वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, रेट वगैरह भी इसके भाई से मालूम करेंगे। ये चेक करें, सर क्या मांग रहे हैं इसके? 15 लाख। कितना? 15 लाख। दांतों में पूरा? अच्छा, दांतों में भाई बता रहे हैं पूरा और 15 लाख भाई ने इस जोड़ी की डिमांड की है। ये चेक करें, 15 लाख भाई इसका मांग रहे हैं, दांतों में भाई ने बताया ये दोनों पूरे हैं। हम काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि भैंस कालोनी मंडी में आप पाड़े भी कवर क्या करें, ये चेक कर सकते हैं। भाई के पास एक पाड़ा खड़ा हुआ है, चलते हैं भाई से प्राइस वगैरह मालूम कर लेते हैं। ऐसा 2 दांत है क्या ये? जी भाई। क्या मांग रहे हैं इसके? 1.55। 1.55। और वज़न में क्या होगा ये? वज़न में क्या होगा? कसाई नहीं है हम लोग, बेचने आए। अच्छा, कसाई नहीं हो? अच्छा, कसाई भाई नहीं है, इनको वज़न का आइडिया नहीं है। तकरीबन वज़न का आइडिया देते तो 3 से 3.5 मन का बछड़ा होगा। 1,55,000 भाई ने मांगा 2 दांत का, 2 दांत का पार्ट है। हाँ, बल्कि फाइनल वाले क्या होंगे इसके? बिल्कुल लेने वाले 1.5 लाख। कोई नंबर है अगर किसी को चाहिए तो रब्ता करेगा? नंबर नहीं यार। अच्छा, नंबर भाई के पास नहीं है। 1,55,000 इस पाड़े का मांगा और 1,50,000 बिल्कुल फाइनल मांगे, 2 दांतों के अंदर है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, फिलहाल पार्टी आई है, इसको चेक किया जा रहा है। आपको चाहिए, आप बताओ कितने का रखोगे? मेरे को तो 1.10 में समझ आ रहा है। 1.10 में समझ आ रहा है मेरे को, लगे तो 5। अच्छा, 1.5 में लगा। यहाँ पर ये एक बछड़ा नजर आया, चीना प्रिंट का बछड़ा माशाल्लाह से, अच्छा वजनी और भारी बछड़ा है और अच्छी बनावट के अंदर है। चीज़ आप लोगों को मैं पहले दिखा देता हूँ, फिर आगे चलेंगे भाई से प्राइस वगैरह मालूम करेंगे। वज़न में तकरीबन ये 4 से 4.5 मन का बछड़ा होगा और माशाल्लाह से अच्छे मीट वेट के अंदर है। चलते हैं भाई से रेट वगैरह मालूम कर लेते हैं, भाई की तरफ से फिलहाल क्या डिमांड की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या मांग रहे हैं इसका? भाई 3.5। 3.5 लाख। 2 दांत है? 4 दांत। अच्छा, 4 दांत का बछड़ा और 3.5 लाख भाई ने इस बछड़े की डिमांड की है। वैसे वज़न में क्या होगा तकरीबन? वज़न में 7-8 मन होगा। अच्छा, 7 से 8 मन। और फाइनल देने वाली बात क्या होगी? हाँ या ना? तुम बताओ, बस तुम बताओ। अब बता दे, मैं वीडियो बना रहा हूँ और किसी को चाहिए तो रब्ता कर ले। तुम्हारे लिए बस 3-20 का होगा, बस 3,20,000। यानी कि 3.5 लाख भाई ने डिमांड किया और 3,20,000 भाई ने इसका बिल्कुल फाइनल मांगा है। 7 से 8 मन भाई बता रही है वज़न के अंदर है।